जैसा कि आप सबको विदित है, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल का एक वर्ष अभी अभी पूरा हुआ है और जिस तरह से मोदी सरकार का पहला कार्यकाल 2014 में भारत देश की जनता ने जो जनाधार दिया था, उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में जो माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था, अराजकता थी, अस्थिरता सरकार थी, उसको चुनौती देते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाई और उसके बलबूते मोदी जी के दूसरा कार्यकाल में पूर्ण बहुमत के साथ देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष उपलब्धि भरा और चुनौतीपूर्ण भी कहा जा सकता है जो पूरा हुआ है। मैं ज्यादा नहीं, संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलना हो, गरीब कल्याण की योजनाएं, उज्ज्वला योजना के तहत माता और बहनों को निःशुल्क कनेक्शन देना हो, प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीब लोगों को पक्का मकान बनाना हो, देश में स्वच्छता का वातावरण बनाने के लिए एक मिशन के रूप में सभी लोगों को शौचालय बनाने का काम करने का हो, ऐसे अनेक कल्याणकारी, किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो, ऐसे अनेक कल्याणकारी कार्य और देश के सीमाओं पर को मजबूत करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, एयर स्ट्राइक करना हो, ये अनेक काम पिछले 5 साल के मोदी जी के पहले कार्यकाल में अनेक ऐसे अनेक काम हैं, जिसमें आयुष्मान भारत भी है, एक व्यक्ति को, एक परिवार में एक व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज, पूरे देश में कहीं भी जाकर निःशुल्क इलाज कराने का, चाहे बड़ी गंभीर बीमारी हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, किसी भी किडनी की बीमारी हो, उसको निजात पाने के लिए, उसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश में लागू की। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल का एक वर्ष पूरा अभी 29 तारीख को पूरा हुआ है और इस एक साल में जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे देश में पुराने समय से चली आ रही बड़ी चुनौती धारा 370 और 35A को हटाना हो, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है, उस बड़े मामले को सुलटाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे देश में एक बहुत 400 साल पुराना मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की मध्यस्थता करते हुए एक राम मंदिर न्यास का गठन करके वो भी इस प्रकार से लॉकडाउन हुआ है। समाचार जगत में आप लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रशासनिक दृष्टि से जो काम हो रहे हैं उनकी और समाज की जो गतिविधियां हो रही है उसकी और किस प्रकार से समाज को उसी तरह से जोड़ा जाए, इस गतिविधियों को समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सभी ने जन जन तक पहुँचाया है। निश्चित रूप से आप सबकी तारीफ करना होगी, दूसरे तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपकी सराहना करना होती है। भाई श्री अर्जुन लाल जी आज हमारे बीच उपस्थित हुए और आपको मोदी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल की